हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम पहुंच रखे हैं गोवा के अंदर। गोवा के अंदर हम देखने आए हैं चोपारा फोर्ट, जो कि यहां का काफ़ी ज़्यादा मोस्ट विजिटेड और पॉपुलर फोर्ट माना जाता है। इस फोर्ट का जो सबसे ज़्यादा खासियत है, यहाँ पर हुआ था दिल चाहता मूवी का शूटिंग हुआ था। इसके बाद इस फोर्ट को बहुत ज़्यादा पीपल यहाँ पर विजिट करने लगे हैं इसको देखने के लिए। तो अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं इसको देखने के लिए। तो आपको फोर्ट पे जाने के लिए क्या करना होगा, कहाँ आना पड़ेगा, मैं आपको पूरा डिटेल में बता देता हूँ। आपको फोर्ट को देखने के लिए आने के लिए होटल डब्ल्यू के पास आना पड़ेगा। होटल डब्ल्यू से बिल्कुल राइट में स्ट्रेट जाना है, ऊपर जाने की तरफ आपको मिलेगा फोर्ट का रास्ता, जो कि सीधा आपको फोर्ट के ऊपर ही लेके जाएगा। फोर्ट एक काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग ऊपर से बना हुआ है, मैंने सुना था, वीडियो में देखा था, लेकिन आज मैं खुद इसको देखने के लिए यहाँ पर पहुँच रखा हूँ। तो इसको ऊपर जाने के लिए आपको 100 सीढ़ी को क्रॉस करना होगा, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसको करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पावर आपका यूज़ होगा। तो मैं 100 सीढ़ी को क्रॉस करके यहाँ पे पहुँच जाता हूँ इस फोर्ट को देखने के लिए। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा हाइट पर यह फोर्ट बना हुआ है। तो चोपारा फोर्ट है, जो पहले मैंने आफ्टर 2 ईयर्स पहले की यहाँ पर वीडियो देखा था, तो उसमें ये ग्रिल्स वगैरह नहीं लगा हुआ था, सेफ्टी का ज़्यादा ध्यान नहीं रखा हुआ था। तो अभी यहाँ पे मॉडिफिकेशन हो चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रिल्स वगैरह लग रखी हैं और यहाँ पे सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा एक अच्छी बात भी और ज़रूरी भी है। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ फोर्ट के पास। तो अभी मैं आपको अंदर ले कर जाता हूँ, फोर्ट को दिखाता हूँ कि अंदर से कैसा बना हुआ है और अंदर देखने के लिए क्या क्या हमें मिलेगा। तो गाइस, ये है मेन एंट्रेंस। तो यहाँ से मैं एंटर हो जाता हूँ इस फोर्ट के अंदर, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग डोर था, देखने में बहुत ज़्यादा ऑसम था। तो यहाँ से मैं अंदर एंटर हो जाता हूँ। अभी आपको दिखा देता हूँ मैं सारे का सारा फोर्ट। तो ये वो फोर्ट है गाइस, जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाह रहा था। ये है वो दिल चाहता मूवी का जहाँ पर शूट हुआ था, आमिर खान, सैफ अली खान और अक्षय खन्ना, जो यहाँ पर शूट हुआ था वो वही वाला है। यहीं पर वो रन करते हैं, वहीं वॉल से भागते हैं, ये वही वाला फोर्ट है। तो अभी मैं उस लोकेशन पे जाऊंगा, थोड़ी देर में आपको वो वाली लोकेशन भी दिखा देता हूँ जहाँ से वो रन करते हैं, बातचीत करते हैं समुंदर की तरफ देख के। तो गाइस, बहुत ज़्यादा एक अमेजिंग फोर्ट है ये, आपको देख सकते हो जहाँ के नीचे की जो यहाँ पे लेंस है वो रेड कलर की है, दिख रही है, जो कि एक अमेजिंग, ऐसा लग रहा है कि हम किसी पृथ्वी पर आ चुके हैं, किसी और ग्रह पर हम घूम रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑसम लग रहा है। एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था यहाँ पे घूमने का। तो गाइस, ये चेक कर सकते हो, यही वही वॉल है जहाँ पे वो शूट हुआ था। तो अभी मैं उसके थोड़ी और दूर पे जाऊँगा, अभी तो वैसा नहीं रहा क्योंकि बहुत शूटिंग बहुत देर पहले हुआ था। तो अभी तो यहाँ पे काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है, उस टाइम पर यहाँ पर काफ़ी ग्रास वगैरह था, जो अब कि आपको नहीं दिख रहा, कम ग्रास दिख रहा है, क्योंकि वेदर के हिसाब से वो सब कुछ चेंज होता रहता है। तो गाइस, ये एक मैं बात रिकमेंड करता हूँ, अगर आप 60-50 के करीब है तो आप यहाँ पे मत आएँ, क्योंकि यहाँ पे आने के लिए बहुत ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा पावर चाहिए आपको बॉडी में ऊपर आने के लिए। क्योंकि जो मेरे साथ में यंग लड़के थे वो भी ऊपर आते आते उनकी भी सांसें फूल चुकी थी, बोल रहे थे कि गलती से हम यहाँ पे ऊपर आए हैं, हमें आना नहीं चाहिए था। तो अगर आपके अंदर पावर है तो आप यहाँ से आ सकते हो ऊपर इसको फोर्ट को देखने के लिए। लेकिन यहाँ से अगर आप, जो ये मैं वॉल के ऊपर चल रहा हूँ, ये मैंने एक जस्ट शॉट के लिए इस वॉल के ऊपर रन किया है, मैं रेकमेंड नहीं करता कि आप इस वॉल पे रन करें, क्योंकि ये इंजरी हो सकता है, यहाँ से डेंजरस हो सकता है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से सीधा वैगाडर बीच का जो व्यू मिलता है, बहुत ज़्यादा एक ऑसम व्यू है, बहुत ज़्यादा एक अपने आप में ही मोस्ट अमेजिंग व्यू मिल रहा है यहाँ से। तो गाइस, देख सकते हो यहाँ पे कितने टूरिस्ट लोग यहाँ पे आ रखे हैं, और ये सभी लोग अपने अपने शूट कर रहे थे यहाँ पे, फ़ोटो शूट करवा रहे थे, क्योंकि यहाँ का जो व्यू है बहुत ज़्यादा ऑसम व्यू था। और मैं यहाँ से रन करता हूँ और थोड़ी और आगे की तरफ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड था, तो मैं थोड़ी आगे की तरफ निकल जाता हूँ। और यहाँ पर पब्लिक आप देख चेक ही कर सकते हो कि पब्लिक कितनी ज़्यादा यहाँ पर विजिट कर रही है। तो ये गाइस, सभी लोग यहाँ पर अपने इन्जॉय कर रहे थे और मैं भी अपना अपना यहाँ पर काम कर रहे थे। तो ये फोर्ट, एक चोपारा फोर्ट, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग और मोस्ट विजिट वाला प्लेस है। तो आज इसको मैंने लाइव देख रखा है, देख लिया, और पहले मैंने इसको वीडियो में देखा था। तो वीडियो और लाइव देखने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि जो लाइव मैं इसको देख रहा हूँ यहाँ से, एक जो मुझे व्यू मिल रहा है वो एक बहुत ही ज़्यादा ऑसम व्यू है, जो आपको वीडियो में माध्यम से नहीं पता चल पाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो पीछे पूरा वैगाडर बीच है, जो बहुत दूर दूर तक फैल रखा है, पानी है इसके अंदर। तो अभी हम वैगाडर बीच पे भी यहाँ से निकलेंगे। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा फोर्ट, और बिल्कुल मैं क्लोज में हूँ, यहीं पे वो शूट हुआ था, आप देख ही सकते हो।
अभी जस्ट वहाँ से वो वाला वॉल तो ढह चुका है, वो टूट चुका है क्योंकि बहुत टाइम पहले शूट हुआ था, तो यहीं से वो शूट हुआ था। यहीं से वो बात करते हैं कि उस मंदिर में जहाज है वो थोड़ी देर बाद दिखना बंद हो जाएगा, और यहाँ से वो रन करते हुए भागते हैं। तो गाइस अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, आप आपने फॉन्ट देख चुके हो, एक बहुत ज़्यादा अमेजिंग फॉन्ट है, और यहाँ का मेरा जो एक्सपीरियंस रहा बहुत अच्छा था। एंड अगर आप भी इस फॉन्ट को देखना चाहते हो तो आपको गोवा आना पड़ेगा, गोवा के आपको होटल डब्ल्यू के पूछना पड़ेगा किसी को, और होटल डब्ल्यू के पास से ही आपको सीधा फॉर्ट का रास्ता मिल जाएगा जो कि चोपारा फॉर्ट है। बहुत ज़्यादा ऑसम है, बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। तो गाइस अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, एक छोटा सा कमेंट कर देना, क्योंकि मेरा नेक्स्ट जो टारगेट होगा, मेरा टूरिस्ट होगा, वो होगा श्रीलंका। अगर इस वीडियो पर 10,000 लाइक आ जाते हैं तो मैं सीधे श्रीलंका निकल जाऊंगा, और वहां से आपको श्रीलंका का जो भी मोस्ट पॉपुलर प्लेस होंगे मैं वहां पे विजिट करूंगा। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नए ब्लॉग में।